नमस्कार स्टूडेंट्स, आइए आज आपको लिए चलते हैं क्लास 60 क्लास में। एसएससी जीडी का जो सपना लेकर आप बढ़ रहे हैं, एसएससी जीडी का सपना 90 क्लास में अपना। आज क्लास नंबर 7 आपकी होने वाली है टाइम एंड डिस्टेंस की, समय और दूरी। बहुत बच्चों में बहुत प्रकार का खौफ होता है। जिन बच्चों को अगर कम्प्लीट क्लास देखनी है तो वो कम्प्लीट क्लास के लिए क्या सर्च करें बेटा, मैं बता देता हूँ। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस बाई स्टेनर क्लासेज, ठीक है ना, स्टेनर क्लासेज बेटा, ये डाल के आप सर्च कर लीजिए, आपको पूरी वीडियो मिल जाएंगी। यहाँ हम आपको एसएससी जीडी का चला रहे हैं, हम एसएससी जीडी को आपको कवर अप करा रहे हैं। एसएससी जीडी के लिए जो आपको चीज़ें करनी है, किस किस तरह का पेपर एसएससी जीडी पूछता है, किस किस तरह का क्वेश्चन एसएससी जीडी में बनता है, और कितने सिंपल से लेकर हार्ड तक की यात्रा एसएससी जीडी करता है, तो उसके कुछ क्वेश्चन, कुछ थिंक, कुछ प्रोसेस, एग्जाम प्रोसेस आपको तैयार करना है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन, ठीक है ना, चलिए पहला क्वेश्चन। एक व्यक्ति कार द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे 6 मिनट में अपने ऑफिस पहुंचता है, उसकी अपने ऑफिस तक जाने में तय की गई दूरी कितनी है। देखिए बेटा, आपको ये बहुत आसान लग रहा है, लेकिन एसएससी जीडी इसी तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है। डिस्टेंस इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई स्पीड, ठीक है, और टाइम आपका यहाँ क्या है, 4 घंटे 6 मिनट। तो बेटा मिनट से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि आपकी जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो आपको इसको कंप्लीट घंटा बनाना होगा। कंप्लीट घंटा बना रहे हैं तो 4 सही 6 बटे जो मिनट है उसको 60 से डिवाइड, 10, और 10 चौक 40, और 1 41 बटे 10 आवर आपका हो गया बेटा। क्लियर है, समझ आए ना, 4 सही जो आवर है वो हॉल में बना दिए, 6 बटे 10, तो 6 बटे 10 को घंटा बनाने के लिए 60 से मैंने भाग कर दिया। मिनट को घंटा बनाने के लिए क्या करते हैं, 60 से भाग करते हैं, मैंने भाग कर दिया 1 बटे 10। अब 10 चौक 40 और 1 41 बटे 10 टाइम हो गया आपका इतना। स्पीड आपकी कितनी है बेटा, 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, तो डी लगा दीजिए आप, आपको 41 बटे 10 गुना 80। 10 से ये कितनी बार बेटा, 8 बार, 8 की गुना 8 एकम 8, 8 चौक 32, 328, और ये किस में आएगी मेजरमेंट, किलोमीटर में, क्योंकि आपकी चाल किस में दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटा। आपको समय कितने में दे रखा है, आवर में, तो कितने में आएगी ये, 328 किलोमीटर आंसर। बस आपको टाइम एंड डिस्टेंस में ना सबसे बड़ी बात है कि आपको टाइम का कन्वर्जन आना चाहिए, आप टाइम को कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपको आना चाहिए। अगर आपने टाइम को कन्वर्ट करना सीख लिया है बेटा, तो मैं आपसे कहता हूँ कि इससे ज़्यादा आसान कुछ भी नहीं होता। तो टाइम को आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, अगर टाइम को कन्वर्ट करना नहीं आता तो नहीं होगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन पढ़ो आप, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में जो दूरी तय करती है, उसी दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए कार की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ेगी। क्वेश्चन को जरूर ध्यान से समझें, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटे में कोई दूरी तय की गई है और उसको 4 घंटे में तय करना है, तो मतलब मुझे पहले चाल से चाल निकालनी, पहले निकालनी मुझे डिस्टेंस। डिस्टेंस 80 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से 5 घंटे में चली कितनी, 8 × 5 = 40, 400 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ से मुझे 4 घंटे टाइम, नेक्स्ट टाइम क्या दे रखा है, 4 घंटे, तो यहाँ से स्पीड चाहिए, डिस्टेंस तो मेरी 400 आ गई, स्पीड चाहिए, तो क्या होगा, डिस्टेंस ओवर टाइम। 400 किलोमीटर को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया तो मुझे स्पीड कितनी मिल गई, 100 किलोमीटर पर आवर। मिली या नहीं मिली, 100 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे पहली स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर, नई स्पीड मुझे मिली 100 किलोमीटर पर आवर, बढ़ी कितनी, बढ़ी कितनी, बीच 100 में से उस 80 पहली वाली को घटा दीजिए, 80 पहली वाली को घटाई तो वो बढ़ गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बढ़ानी पड़ेगी अगर आप ऐसा कुछ उपक्रम कर रहे हैं। 5 घंटे की दूरी को अगर 4 घंटे में आपको पूरा करना है तो आपको अपनी स्पीड
80 से 100 करनी पड़ेगी, 80 से 100 किलोमीटर पर आवर करनी पड़ेगी। चलिए बहुत आसान सीखा, आगे बढ़ो। देखिए एक कार, क्वेश्चन पढ़िए, एक कार लखनऊ से मुंबई तक जाने में एक ट्रक द्वारा लिए गए समय से आधा समय लेती है, ठीक है। टाइम मान के चलिए कार ट्रक, मैं लिख देता हूँ कार और ट्रक, ऐसे समझ लीजिए। कार ट्रक द्वारा लिए गए समय से आधा समय लेती है, कार ट्रक ने लिया दो तो कार ने लिया एक, और एक ट्रक को समान यात्रा पूरी करने में 20 घंटे लगते हैं यदि कार को गति। अब देखिए यहाँ से 20 घंटे लग रहे हैं, ठीक है ना, आधा समय लगता है, 20 घंटे लगते हैं, मतलब ट्रक को 20 घंटे लगते हैं तो इसको कितने लगेंगे, 10 घंटे, 2 बराबर 20 है तो इसको कितने लगे, 10 घंटे लगे। और वो कह रहे हैं यदि कार की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, कार की गति कितनी है 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ट्रक की गति कितनी होगी। बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके से आप कर सकते हैं, रिवर्स करके कर सकते हैं, लेकिन देखिए समझिए आप जरा। तो यहाँ से ये है टाइम, ये है स्पीड, मैं यहाँ से दूरी निकाल लूँ जो अभी मैंने पीछे किया तो 1200 हो जाएगी, टाइम एंड डिस्टेंस की दोनों गुणा कर दी, और इस 20 घंटे से मैंने डिवाइड कर दिया। बताइए क्या दिक्कत है इसमें, स्पीड ट्रक की निकालनी है मुझे, ट्रक की स्पीड निकालनी है, तो बिल्कुल सिंपल हो गया। और जीरो से जीरो कैंसिल, और इससे 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर की जो है ट्रक की गति हो गई। और कार कितने पर चल रही थी, 120 किलोमीटर, हवा हवाई हो रहे थे, हैं ज़्यादा गति हानिकारक है ना, हानिकारक चीज़ों को आप दूर रखिए, हानिकारक चीज़ों को आप दूर रखिए, जो आपकी रेंज में हो, जो आपकी जरूरत में हो आप उनको करिए। अरे 120 की स्पीड से मरना है क्या, एक्सीडेंट करना है, एक्सीडेंट हो जाएगा, हैं घायल हो जाएंगे। चलिए जरा कोई दिक्कत नहीं, चलिए आ गया क्वेश्चन समझ में, बिल्कुल सिंपल था, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। एक दो से करके भी, दूसरे तरीके से भी बहुत लोग बहुत तरीके से करते हैं, आपको जो बेहतर लगे वो करिए। चलिए जरा अगला क्वेश्चन, श्वेता जब अपनी गति को 24 किलोमीटर प्रति घंटा से 30 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देती है तो उसे एक निश्चित दूरी तय करने में सामान्य समय से एक घंटा कम लगता है, आमतौर पर श्वेता द्वारा तय की जाने वाली दूरी कितनी है। देखिए बहुत समस्या, स्पीड में जो रेशो दिया हुआ है वो रेशो समझिए, स्पीड में जो रेशो दिया हुआ है पहले वो स्पीड में वो रेशो समझिए, स्पीड पहले थी 24 बढ़ा के कर दी 30, रेशो लूँ 6 से 4 बार और 6 से 5 बार, तो टाइम जो है स्पीड का उल्टा होता है, 5 इधर 4 इधर, घंटा कितने कम हुआ, एक रेशो किसके बराबर, एक के, दोनों का डिफरेंस एक का एक, तो अमूमन वो कितने घंटे ले रही है, 5 घंटे। यूजुअल टाइम कितना है उसका, 5 आवर, 5 आवर है, और 5 आवर को किसकी गति से चल रही है, 4 ले लीजिए 30 की गति रख लीजिए, 5 ले लीजिए 24 गति रख लीजिए, तो तय की गई दूरी, श्वेता दूरी बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बराबर होता है टाइम मल्टीप्लाई स्पीड, टाइम है आपका 5 घंटे, स्पीड 5 घंटे के लिए कितनी है बेटा 24, आप देखिए 4 के लिए 30 रखेंगे, 5 के लिए 24 रखेंगे, 24 × 120 किलोमीटर, आमतौर पर श्वेता जी 120 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। बताइए जरा कितना सिंपल है, नहीं अगर आप 4 रख रहे होते ना कोई बात नहीं, 4 घंटे पर 30 की स्पीड ले रहे होते, तो 4 घंटे पर अगर मैं 30 की ले रहा होता, 30 × 4 = 120, तो यहाँ से भी 120 किलोमीटर ही आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ उल्टा रखा तो कुछ और हो जाएगा, ऐसा होता ही नहीं है कि आप उल्टा रखें तो उल्टा हो जाएगा, समझ लीजिए, बिल्कुल भी हेजिटेशन में नहीं आना है। रेंज में क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा हिंट का क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा डिफरेंस क्वेश्चन होता है, अगर अपने उसने थोड़े से डिफरेंस को आपने देख लिया, चेक कर लिया, तो आपको आसानी से मिलेगा। और भाई प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, इतने आवेदन आते हैं, उन आवेदनों में, उन एस्पायरेंटों में आपको क्यों जॉब मिले, ये आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ लीजिए। आप सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं,
आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ रहे हैं, आप क्वेश्चन के लेवल को समझ के पढ़ रहे हैं, आप बाकी सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप बाकी सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, इन क्वेश्चंस का जवाब आप अपने आप जान लीजिए। और जब आप इन सभी क्वेश्चनों में अपने आप को सुपर्ब पाएं, बेहतर पाएं, आप अपने आप से सेटिस्फाई हो जाएं कि हाँ सफिशेंट मैंने तैयारी की है, इस बार मेरा सिलेक्शन होना चाहिए क्योंकि मैंने तैयारी की है, पहले से लिख के दे देंगे आप, पहले से बोल देंगे कि हाँ मैं पास हो रहा हूँ क्योंकि आपने उतना प्रैक्टिस किया है। और जब आप प्रैक्टिस नहीं करते तो बेटा फिर तो गड़बड़ होती है, प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर क्या होगा, फिर तो नहीं होगा, नहीं होगा ना, प्रैक्टिस नहीं की तो फिर तो होगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कृपलानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाती है और 4 मिनट देर से स्कूल पहुँचती है। अगली बार वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा से स्कूल जाती है और निर्धारित समय से 2 मिनट पहले स्कूल पहुँचती है, उसके स्कूल की दूरी कितनी है। देखिए बहुत लोग बहुत तरीके से बताते हैं बेटा, हम भी पहले बहुत तरीक़ों से बताते हैं, हमने दूसरी वीडियो में और दूसरा मेथड बताया, लेकिन बहुत सिंपल मेथड की तरफ भी हम बढ़ते हैं। देखो ध्यान दीजिए, स्पीड पहले 20 की है, फिर उन्होंने की 24 की, क्लियर, पहले 24 की नहीं 25 की, कितना किया 25 का, ठीक है ना। चलिए इंक टूल ले लेते हैं, 25 की रेशो बनाए तो रेशो कितना हो गया, 5 से 4 बार और 5 से 5 बार। टाइम का रेशो बनाए बेटा, स्पीड और टाइम का रेशो बनाए तो 5 और 4। देखिए ये जो डिफरेंस है एक का, ये डिफरेंस जो टाइम का डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है, यानी 4 मिनट तो ये और 2 मिनट ये, एक बराबर कितने का, 6 मिनट के बराबर हो गया, एक बराबर किसके, 6 मिनट के। तो आपको यूजुअल टाइम चाहिए 5, कोई सा भी निकाल लीजिए, आप 4 को भी निकालेंगे तो भी कोई नहीं, 5 बराबर हो गया 6 × 5 मिनट। और बेटा मिनट को घंटे में बना लीजिए क्योंकि आपको दूरी किलोमीटर में है और चाल भी आपकी किलोमीटर में, तो घंटा में बनाइए इसको, 60 से डिवाइड, 6×5 = 30 से 2 बार, 1/2 आवर। अब बात बताइए 1/2 आवर में 20 की स्पीड से कितनी दूरी चली होगी, तो उसके स्कूल की दूरी क्या है, डी बराबर टी मल्टीप्लाई स्पीड, टाइम मल्टीप्लाई स्पीड, बताइए क्या दिक्कत है इसमें। अरे नहीं है दिक्कत, आप सोच उस हिसाब से रहे। देखो मैंने कितना सिंपल सोचा, मैं नहीं जानता फॉर्मूला, मुझे पेपर में फॉर्मूला याद आएगा ही नहीं, और जब मुझे पेपर में फॉर्मूला याद नहीं आएगा तो मैं कैसे करूँगा, मुझे फॉर्मूला नहीं चलाना, मुझे बेस समझना है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला भी तो बनाया हुआ है, आप खुद बनाइए अपने फॉर्मूले, खुद बनाइए अपनी ट्रिक, क्यों दूसरे की ट्रिकों को आधा अधूरा समझकर आप अप्लाई करना चाहते हैं। अरे आप ट्रिक बनाइए, मैं कह रहा हूँ आपके इसमें ट्रिक ही नहीं है, स्पीड का उल्टा टाइम होता है, स्पीड और टाइम में एक रिलेशन है, वो रिलेशन मैं लगा रहा हूँ। टाइम कितना है बेटा, 1/2 घंटे, स्पीड कितनी है, स्पीड है इस पर 20, मैं इसी स्पीड पर भी ले लेता, 4 पे ले लेता, कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं 25 को लगा रहा होता तो कितना, 6×5 = 30, 1/2 घंटे ना, 1/2 घंटे हो गए, और 1/2 घंटे किस पर, 20 की स्पीड से, तो कितना 10 किलोमीटर। तो उसके घर की बीच की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर की, उसके स्कूल से उसके घर की दूरी है। 25 पे ले रहा हो तो देखो 25 पे भी क्या, 4 पे भी मैं करके दिखा देता हूँ दूसरा। आप सोच रहे होंगे सर 4 पे नहीं कर रहे, 6×24 = 60, ठीक है, और स्पीड कितनी रखेंगे बेटा, 25 में डायरेक्ट रख देता हूँ, ठीक है। आप देखिए 6 से ये 10 बार, 2 से ये 5 बार, 2 से ये 2 बार, और 5 से ये 5 बार, 5×2 = 10, बताइए। आप चाहे इधर से चले जाइए चाहे उधर से चले जाइए, इधर चला मैं उधर चला, मुझे आंसर चाहिए, चाहे इधर चलिए चाहे उधर चलिए, मुझे आंसर से मतलब। वो कह रहे हैं ना राजा हरिश्चंद्र की कहानी है, जब पहुंचती है वो तारा पहुंचती है तो वो जो उनसे कहते हैं कि मुझे बूढ़ा मरे या जवान, मुझे हत्या से काम, मुझे तो टेक्स्ट चाहिए, मुझे तो आंसर चाहिए, चाहे मैं इधर से चला जाऊँ चाहे मैं इधर से चले जाऊँ। तो चलिए जरा आगे बढ़िए, रोहतास की मृत्यु पर है। चलिए, एक चोर एक कार चुरा कर 30 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से भाग जाता है। आजकल ठहठा हो रही है, मुठभेड़ अगले चौराहे पे कर देते हैं, योगी जी ने कह दिया है, फिर भी चलिए भाग जाता है, देखते हैं कैसे कैसे पकड़ में लाते हैं। एक चोर एक कार चुरा कर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग रहा है। चलिए थोड़ा सा देख लीजिए आप, एक सेकंड जरा, आ रहा है ना मज़ा,
चलिए कार चुरा कर भागिए। चलो करो। एक चोर एक कार चुरा कर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग जाता है। यदि पुलिस चोर को 6 घंटे बाद दूसरी कार जिसकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा से पकड़ना चाहे तो वह चोर को कितने घंटे बाद पकड़ लेगी। अब मुझे एक चीज़ बताइए, चोर को पकड़ते समय पकड़ा क्या है? चोर ने जो उन्होंने 6 घंटे में जो चोर ने 6 घंटे बाद जो पकड़ने की कवायद उन्होंने शुरू की है, उस समय चोर ने जो डिस्टेंस तय की है, चोर दूर कितना है? चोर दूर बराबर 30 × 6 6 × 3 = 18 180 किलोमीटर दूर चला गया है चोर, समझिए 180 किलोमीटर दूर। अब वो 30 की से चल रहा है, ये 50 की से चल रहे हैं, ये 30 की से आगे आगे, ये 50 की से पीछे पीछे, ये 50 की से पीछे पीछे, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो एक घंटा में जो कवर काट पाते हैं वो 20 किलोमीटर ही तो एक्स्ट्रा चल रहे हैं, तो किस स्पीड से पकड़ेगा? एक घंटे में कवर की गई दूरी में कवर की गई दूरी बराबर कितनी, या डिफरेंस रख दीजिए 20 किलोमीटर, 50 में से 30 घटा दीजिए 20 किलोमीटर। अब बस इससे इसको आंसर दे दीजिए, टाइम बराबर एक घंटे में जो चली कवर की जाती है दूरी वही तो चाल हो जाती है, टाइम बराबर कितना लगेगा? 180 किलोमीटर की दूरी को 20 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से वो कवरअप करेंगे तो 0 से 0 और कितनी बार? 9 बार। कितने घंटे बाद पकड़ लेगी? 9 घंटे बाद पकड़ लेगी। तब तक तो भैया वो दूरी दूरी हवा हवाई हो रहा है, यहाँ से चुप पकड़ के पता चली दिल्ली को भी पार कर गया है। तो समझिए, यानी आपको अब शॉर्टकट में क्या करना है, आपको जो डिस्टेंस है, देखिए शॉर्टकट भी समझ लीजिए, शॉर्टकट भी मैं समझा देता हूँ बेटा, कुछ नहीं करना आपको ऐसे क्वेश्चन में। ये देखना है कि चोर द्वारा चली गई दूरी 6 घंटे में 30 की स्पीड से डिवाइडेड बाई दोनों का डिफरेंस, 50 में से 30 का घटाया 50 − 30 इतने आवर लगेंगे, इतने आवर लगेंगे तो कितना हो गया 6 × 30 / 20 0 से 0 2 से 3 3 × 3 = 9 आवर 9 घंटे लगेंगे उसको इस कवर अप करने में। बस कुछ नहीं करना था, चोर द्वारा जो आगे निकल गया है या चोर आगे खड़ा है उनको बस इसमें कैलकुलेट करना है आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। चोर जो आगे निकल गया है चोर उसको कैलकुलेट करना है, उसको पकड़ना है, बस ये काम करना है। चलिए आगे बढ़िए। समझ तो आ रहा होगा ना? किसी को कोई डाउट हो रहा है आप कमेंट सेशन में आप डाल दीजिए, ये डाउट है कि कोई क्वेश्चन आपको तंग कर रहा है आप मुझे भेज दीजिए, मेरा नंबर भी आप नोट कर सकते हैं। वैसे तो आप कहीं भी कमेंट सेशन में भेज सकते हैं, नहीं तो 8006631265 पर आप मुझे अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। शेयर करिए, जितना शेयर आप डाउट करेंगे मैं आपके डाउट लेने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना? आप बस एक बार शेयर करना स्टार्ट करिए, आप एक बार पढ़ना स्टार्ट करिए। चलिए, 135 मीटर लंबी रेलगाड़ी 62 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, एक आदमी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है तो कितने समय बाद रेलगाड़ी उस आदमी को पार कर देगी? देखिए, जब कोई किसी रेलगाड़ी को आदमी या किसी के द्वारा पार किया जाता है और आदमी उसी दिशा में भाग रहा है, इधर भी रेलगाड़ी भी इधर चल रही है और व्यक्ति भी इधर ही चल रहा है, तो भाई स्पीड जो है कम हो जाती है। ये 62 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है और ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, तो जो एवरेजन स्पीड आएगी ना, एवरेजन स्पीड 62 − 8 आएगी, क्योंकि जब सेम दिशा में होते हैं तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की वो चाल से, अगर विपरीत में होते प्लस हो जाता है, 62 में से 8 घटाइए तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी स्पीड, ठीक है। अब व्यक्ति को जब पार माना जाएगा तो पार मानते समय क्या माना जाएगा? खुद की दूरी को पार करना है और वो खुद की दूरी कितनी है? 135 मीटर है। अब आप समझिए, पहले इसको मैं 54 किलोमीटर पर आवर की जो मेरी सापेक्ष रिलेटिव स्पीड है उसको पहले मीटर पर सेकंड में कर लेता हूँ। अब मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए मैंने ये कहा था कि बड़े के साथ छोटा, छोटे के साथ बड़ा, 5/18 का उपक्रम हम करते हैं, 5/18 का उपक्रम करते हैं। किलोमीटर है बड़ा, बड़े के साथ छोटा, उसके अपोजिट बड़ा, 54 किलोमीटर, किलोमीटर बड़ी अमाउंट है, उसमें छोटा लेना है 5, 18 18 = 54, 3 × 5 =
15 मीटर पर सेकंड बेटा आपका आ गया, ठीक है। और मीटर पर सेकंड होता तो मीटर में 18 के गुना कर रहे होते, 5 से भाग कर रहे होते। अब 135 मीटर को देखिए, चाल आपकी 15 मीटर पर सेकंड हो गई, डिस्टेंस आपकी 135 मीटर हो गई। अब आपको क्या निकालना, टाइम निकालना, टाइम बराबर डी ओवर एस। डी कितना, 135, और स्पीड कितनी, 15 से कट कर लीजिए, 15 निम्मा 135, 9 सेकंड आपका आंसर आ रहा है। बताइए कोई दिक्कत हो रही है क्या? आपने बेस सीखा है, आप बेस सीख कर अगर कर रहे हैं तो मैं जहां तक समझता हूं आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मैं कहता हूं विश्वास तो रखिए, विश्वास करके उस लेवल को जनरेट तो करिए। आप लेवल जनरेट किए बिना, आप बिना लेवल को समझे बिना बेटा काम करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप नहीं सफल हो सकते। आपको लेवल समझना होगा इस कंपटीशन के दौर में, या तो आपको ज़्यादा पढ़ना होगा, और ज़्यादा नहीं पढ़ना है तो स्मार्ट पढ़ना होगा, और स्मार्ट पढ़ के जब काम चल सकता है तो मैं ज़्यादा पढ़ के क्यों काम करूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्मार्ट पढ़ेंगे, स्मार्ट बढ़ेंगे, क्या दिक्कत है, स्मार्ट पढ़िए। चलिए जरा इस क्वेश्चन को, यदि मोहन को धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाने में 3 घंटे लगते हैं, धारा की दिशा में 21 किलोमीटर जाने में भी 3 घंटे लगते हैं समय लगता है, तो धारा की चाल कितनी है। देखिए मैं मानता हूँ कि x प्लस वाई, एक धारा ले ली, एक मैंने वो ले ली। जब धारा की दिशा में जा रहे हैं तो दिशा में जा रहे हैं, 15 किलोमीटर जाने में तीन घंटे लगते हैं, तो जब धारा की दिशा में जा रहे हैं तो प्लस होता है, धारा की दिशा में चल रहे ना, ऐसे धारा चल रही है और ऐसे ही आपकी नाव चल रही है तो प्लस हो जाता है, तो कितने स्पीड हो जाएगी, 21/3 7 घंटे, 7 किलोमीटर पर आवर दोनों की जुड़ के, ठीक है। जब वो धारा के विरुद्ध जा रहा है तो x माइनस वाई आएगा, तो 15/3, इस समय 15/3 कर रहा हूँ, 3 से कितना, 5 किलोमीटर पर आवर। अब आप मुझे ये बताइए कि विरुद्ध जाके तो 5 और सापेक्ष जाके 7, अब मुझे चाहिए छोटी के लिए, तो आप घटा के आधा करिए छोटी के लिए, क्योंकि धारा की जो चाल है वो छोटी तो है। आप समझ लीजिए, संख्याओं में जब आपको प्रश्न पढ़ाएंगे, संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन जब आपको कराएंगे तो बिल्कुल एक एक चीज चुन के कराऊंगा, एक एक चीज। आप बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग और माइनस दे रखा है आपको, एड और सब्स्ट्रक्शन दे रखा है, जोड़ और घटाना दे रखा है, तो आप बड़ी संख्या निकालते समय जोड़ कर आधा कर दीजिए। नदी की चाल होती, नदी की वो नाव की चाल अगर निकाल रहे होते बेटा तो क्या कर रहे होते, नदी की नाव की चाल, अच्छा नहीं माना टू, नाव की चाल अगर निकाल रहे होते तब आप कैसे कर रहे होते, नाव जो है ज़्यादा बड़ी में, तो बड़ी के लिए तो मैं जोड़ के आधा कर देता, 12/2 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तो बड़ी की है, और दूसरा 7/5 को घटा के आधा कर दीजिए 2 को 2 से, 1 किलोमीटर पर आवर। अब आप देखिए कि नदी कौन सी है और नाव कौन सी है, ये हो जाएगी नाव, क्योंकि नाव की ज़्यादा होती है और नदी की होती है कम, ये हो जाएगी नदी। तो आपको नदी मतलब धारा, नदी का मतलब क्या है, धारा, तो कितना, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। बस ये काम करना था, विरुद्ध जाने के समय माइनस लिख के कर देना था और सापेक्ष जाते समय प्लस करके लिख देना था। जहाँ जहाँ आप कंसेप्ट को मिस करते हैं ना, वहाँ वहाँ प्रॉब्लम होगी, वरना बताइए इसमें ऐसा क्या है। एसएससी जीडी के लिए आप चीज़ें पढ़ रहे हैं और एसएससी जीडी इसी तरह के क्वेश्चन पूछने में लगा रहता है, बच्चा सोचता है अरे कैसा क्वेश्चन आ गया, हमने तो नहीं पढ़ा, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। कितना सिंपल है अगला क्वेश्चन करना, 2 रेलगाड़ियों की चाल क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 मीटर प्रति सेकंड है, इनकी चालों का अनुपात। अब देखिए कितना आसान आपको कहा है, 45 और 10, अरे लगाओ भैया आपने जल्दी में 45 और 10 लगा दिया, 45 10 का मतलब आपने इसको कट किया 5 से 9 बार, 5 से 2 बार, 9 2, और आपका आंसर नहीं मिल रहा। अब आप सोच रहे हैं बैठे बैठे क्या हो रहा है। टाइम एंड डिस्टेंस में सबसे बड़ी जो बात है ना, सबसे ज़्यादा बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, वो आपको मेजरमेंट की है, मात्रक देखे बिना आप इसमें नहीं बढ़ा सकते, या किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड, दोनों को सेम बनाना है। तो 45 किलोमीटर प्रति आवर को मैं बना लूँ मीटर प्रति सेकंड में,
45 किलोमीटर प्रति घंटा को मैं क्या बना लूँ, मीटर प्रति सेकंड में। तो 45 किलोमीटर को बनाने गया तो मैंने बताया किलोमीटर बड़े के साथ मैं किसका उपक्रम करता हूँ, 5/18 का करता हूँ, यही तो उपक्रम करता हूँ मैं 5/18 का। मैंने बताया बड़े के साथ छोटा लेना है, छोटे के साथ बड़ा लेना है, बड़ा देख लीजिए मीटर बड़ा है किलोमीटर बड़ा है, किलोमीटर बड़ा है, किलोमीटर बड़ा है तो बड़े के साथ 5 और उसके जस्ट अपोजिट छोटा, मैंने 18 ले लिया। अब देखिए 5 ये कितने से कटेगा, कट करो 3 से कितनी बार, 6 बार, 9 से कट कर देते हैं डायरेक्ट, 9 से कट कर देना, 9 से क्या दिक्कत है, 9 से कट कर दीजिए 2 बार, 9 से ये 2 बार बेटा और 9 से ये 5 बार, 5×25/2, 25/2 मीटर प्रति सेकंड आ गया। दूसरी स्पीड जो है फर्स्ट तो आपकी ये हो गई, सेकंड बेटा कितनी दे रखी है, सेकंड दे रखी है 10 मीटर प्रति सेकंड और ये कितनी थी 25/2 सेकंड। आप दोनों को रखिए, आप देखिए फर्स्ट रेशो सेकंड रखना है, फर्स्ट रेशो सेकंड का मतलब 25/2 और गुना 10, 5 से ये 2 बार और 5 से ये 5 बार तो कितना हो गया 5/4, रेशो कितना आ गया 5/4 का रेशो आ गया। आप समझिए बिना जाने बिना मात्रकों को एक किए मैं आगे नहीं बढ़ सकता। अगर मैं बिना मात्रकों को जाने बिना मात्रकों को समझे बिना मात्रकों को सॉल्व किए मैं आगे बढ़ा तो ये लिखित क्या मैं दे सकता हूँ कि आप क्वेश्चन को गलत करेंगे। देखो बिना मात्रक के 9-2 आ रहा था, मैं ढूंढना बैठा रहा था, अरे 9-2 नहीं तो फिर लगा देते हैं तुक्का, 9 इसमें आ रहा है तो इसको ही लगा दीजिए, सी को होगा कुछ ऊपर नीचे। आप पल पल एक एक सेकंड को एक एक उसको काउंट करके काम करो ना, क्या दिक्कत है। और देखिए हमेशा से इसमें फिक्स आप पहचानिए डिस्टेंस से डिस्टेंस क्या चीज़ है कैसे है, तो इन सब चीज़ों को जिनको ज़्यादा पढ़ना है जिनको एक्स्ट्रा बिल्कुल कंप्लीट ये सिलेबस पूरा पढ़ना है वो मेरी कौन सी वीडियो जाके देखें, पूरी वीडियो जाके देखें। चलिए इस क्वेश्चन को और कर लेते हैं, बता देता हूँ जिनको पूरा करना है वो डिस्टेंस टाइम एंड डिस्टेंस के नाम से खींचे, टाइम एंड डिस्टेंस के नाम से सर्च करें, टाइम एंड डिस्टेंस बाई स्टेनर क्लासेज, इस नाम से आप जाके सर्च करिए बेटा, आपको जो है पूरी क्लासेज मिल जाएंगी। क्लियर। चलिए अब आप इस क्वेश्चन को करने में बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी बिना रुके एक निश्चित दूरी को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करती है बिना रुके, परंतु विराम के साथ रेलगाड़ी रुकती है कहीं, रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो रेलगाड़ी एक घंटे में कितने मिनट रुकती है, ये आपको समझाना है। वो एक घंटे में कितने मिनट रुकती है ये आपको बताना है, बता दीजिए आप बताइए। मैं तो भाई देख रहा हूँ 22 मिनट रुकेगी, 24 मिनट रुकेगी, 12 मिनट रुकेगी, 14 मिनट रुकेगी, करना कुछ नहीं है। बिना रुके कितनी चल रही है 90, और दोनों का डिफरेंस कितना है 90-72। एक घंटे में रुकावट समझ लेना, बिना विश्राम की नीचे लेनी है, बिना रुके वाली नीचे और अंतर ऊपर, ये आपको पढ़ना है। तो कितना हो गया 90 में से 72 घटे 18/90 और इसे 5 बार, 1/5 आवर का रुकावट है, लेकिन वहाँ मिनट में दे रखा है, मिनट में कन्वर्ट करें तो कितना 60 और 5 से कितनी बार 12, एक घंटे में 12 मिनट की रुकावट उस रेलगाड़ी के द्वारा ली गई है, तब वो इस तरीके से चल पाती है कि एवरेजन स्पीड बिना रुके 90 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है। अगर वो 12 मिनट कहीं भी रुक जाती है तो रेलगाड़ी की एवरेज चाल कितनी हो जाती है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, वो विराम ले रही है, वो विश्राम ले रही है। देखिए 12 मिनट का लिटिल बिट विश्राम, आपको 18 किलोमीटर प्रति, 12 का विश्राम लिया 18 का अंतर आया है, तो समझ लीजिए विश्राम आपको मंजिल पर पहुंचकर ही करना है, विश्राम आपको मंजिल पर पहुंचकर ही करना है, आप ये समझ लीजिए। तो 12 मिनट ये समझिए आप, क्वेश्चन जिस प्रकार का एसएससी जीडी पूछ रहा है ना, आप उसी पर बने रहिए, आप उसी लेवल को एब्जॉर्ब करे रहिए, आप उसी लेवल पर लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। और देखिए मूल मंत्र ये होता है बेटा, प्रैक्टिस मेक्स मैन ए परफेक्ट।
मैन को परफेक्ट प्रैक्टिस बनाती है। आप अगर अपने आप को परफेक्शन जानना चाहते हैं ना, हिंट वाली किताब से पढ़ना बंद करिए, जिसमें सॉल्यूशन दिया हुआ होता है उस किताब से पढ़ना बंद करिए। सॉल्यूशन वाली किताब आपके साथ धोखा कर रही है। आप जरा से रुके, सॉल्यूशन देख लिया, आपको लगा आपने पूरा जहान जीत लिया, फिर पेपर में अप्लाई नहीं होता है। बेटा सॉल्यूशन वाली किताबों से दूरी बनाइए। हाँ हो सकता है बाद में देखने जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस समय करते समय, प्रैक्टिस करते समय आप नहीं नहीं बिल्कुल नहीं देखेंगे। जो देखेंगे एक साथ देखेंगे, गलत हो रहा है सही हो रहा है, 50-100 क्वेश्चन एक साथ बकेट में करके पहले पढ़िए, फिर समझिए, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करने जाइए, फिर एक साथ बकेट में करना स्टार्ट करिए। चलिए आज आपकी क्लास यहीं समाप्त होती है। पूरी क्लास देखने के लिए तो समझिए इस चीज़ को आप जानेंगे बेटा, किस चीज़ को, कि आप प्रैक्टिस करते समय सॉल्यूशन वाली बुक से नहीं करेंगे, सॉल्यूशन सहित वाली बुक, ऐसे लिख देता हूँ व्हाट्सएप लैंग्वेज वाली बुक से नहीं करेंगे, क्योंकि आपको आदत है पीछे टीपने की। तो ये आप एक मंत्र रखिए और आप तैयारी करिए बेहतर। आई होप कि आप बेहतर अचीव करेंगे, आई होप कि आप जल्दी अचीव करेंगे, आई होप कि आपको अपनी मंजिल मिलेगी, आई होप कि आप मैथ सीख पाएंगे, आई होप कि आप बेहतर कर पाएंगे, आई होप कि आप जीवन में अच्छा करेंगे। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।